नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं उमंग राजपूत आपका अपना यूट्यूब चैनल इंस्टेंट सॉल्यूशन पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केवल ग्लैंड साइज चार्ट के बारे में कि आप इस चार्ट की मदद से अपने केवल में सही ग्लैंड कैसे चुनेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से मेरा यही उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाले स्टूडेंट को मैं प्रैक्टिकल या डायग्राम और क्वेश्चन आंसर से वाकिफ करा सकूं, ताकि इंटरव्यू में पूछे गए सवाल सुनकर आपको यह न लगे कि मैंने तो यह पढ़ा ही नहीं या मैंने कहीं देखा ही नहीं। अपने टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा प्ले स्टोर पर इंस्टेंट सॉल्यूशन न्यू नाम का एप्स भी है। आप वहां से हमारे वीडियो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सैंपल्स हिंदी या अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन आंसर, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला डायग्राम फुल फॉर्म और भी आप बहुत कुछ वहां से सीख सकते हैं। और अगर आपने हमारे बैक वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से हमारे वीडियो और एप्स को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय लेते हुए चलते हैं आज के इस टॉपिक पर और करते हैं शुरुआत। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकन ताकि हमारे आने वाले नए अपडेट्स सबसे पहले पहुंचे आप तक। फ्रेंड्स, वैसे तो ग्लैंड बहुत टाइप के होते हैं, मगर तीन टाइप का ग्लैंड ज्यादातर यूज किया जाता है। पहला पीवीसी ग्लैंड, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पीवीसी ग्लैंड है। दूसरा सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड, ये सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड है फ्रेंड। उसके बाद ये तीसरा डबल कंप्रेसर ग्लैंड। पीवीसी ग्लैंड को नॉर्मल टाइट किया जाता है, सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड को वन साइड टाइट किया जाता है और डबल कंप्रेसर ग्लैंड को दोनों साइड से टाइट किया जाता है। ग्लैंड करने से फायदा क्या होता है, सबसे पहले हम वह जान लेते हैं। ग्लैंड का मतलब होता है गांठ, मगर वायर में हम गांठ तो लगा नहीं सकते हैं, तो उसी गांठ के रूप में ग्लैंड हमारा काम करता है। अगर आप किसी टीवी में ग्लैंड का यूज करते हैं और अगर आप बाहर से आप कोई वायर हिला रहे हैं तो अंदर का टर्मिनेशन, अंदर का कोई भी वायर इधर से उधर नहीं होगा, इसीलिए हम ग्लैंड का यूज करते हैं। गल्फ और यूरोप कंट्री में ज्यादातर डबल कंप्रेसर का किया जाता है। सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड ज्यादा मजबूत नहीं होता है, इसलिए गल्फ और यूरोप कंट्री में ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड पावर केबल में ज्यादातर यूज किया जाता है और डबल कंप्रेसर ग्लैंड कंट्रोल केबल में यूज किया जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर इंटरव्यूअर ग्लैंड का अगर इंटरव्यू लेता है तो आपके ग्लैंड करने के बाद पूरा फोर्स लगाकर चेक करेगा, या यूं कहें कि वो लटक कर भी चेक कर सकता है कि आपका ग्लैंड निकल तो नहीं रहा है, तो वहीं पर यह साबित होगा कि आपका किया हुआ ग्लैंड सक्सेस है। और डबल कंप्रेसर ग्लैंड अगर आप सही से कर दिए तो आप कितना भी जोर लगा लो वो खुलेगा नहीं। ग्लैंड करते टाइम आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका टर्मिनेशन लेंथ, उसके हिसाब से आपको ग्लैंड करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पे, मैंने आपको बताया ये पीवीसी ग्लैंड है, ये डबल कंप्रेसर, ये सिंगल कंप्रेसर। ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में आपको नहीं मालूम है तो इस पार्ट्स का वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है ग्लैंड्स के पार्ट्स के बारे में, ये कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है। अगर आप इंटरव्यूअर में अगर आपके सामने इन सारे पार्ट्स को खोल के रख देता है वो, तो आप कैसे समझ पाओगे, या आपसे कोई पूछ लिया कि इस पार्ट्स का नाम बताओ, आपको नहीं मालूम है तो आप वही इंटरव्यू फेल कर जाओगे। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं आप ग्लैंड कैसे कर सकते हैं सिंपल वे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस ग्लैंड को मैं साइड में रख देता हूं और फोकस करते हैं ग्लैंड साइज और चार्ट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमने यहां पे लिख रखा है केवल ग्लैंड साइज चार्ट, और यहां पर आप देखेंगे तो कंडक्टर साइज स्क्वायर एमएम में है, 1.5 स्क्वायर एमएम, 2.5 केवल साइज है, और उसका टेम्परेचर, एम्पियर, ब्रेकर साइज और ग्लैंड साइज हमने यहां पर लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमने यहां पर जितने भी एम्पियर यहां पे लिखे हुए हैं ये मैक्सिमम है। मिनिमम अगर 14 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 25 है तो यहाँ पर 16-18 हो जाएगा। ये मैक्सिमम एम्पियर हमने यहाँ पे लिए रखा है कि इस साइज का केवल मैक्सिमम एम्पियर कितना ले सकता है। तो 1.5 स्क्वायर एम का वायर 25 डिग्री टेम्परेचर में मैक्सिमम 14 एम्पियर, ब्रेकर साइज हम 10 एम्पियर का यूज करेंगे और ग्लैंड साइज 20S का। 2.5 स्क्वायर एम का वायर 25 डिग्री टेम्परेचर में 25 एम्पियर मैक्सिमम, ब्रेकर साइज 20 एम्पियर और ग्लैंड साइज हम 20S का यूज करेंगे। 4 स्क्वायर एम का वायर 25 डिग्री सेल्सियस, 33 एम्पियर मैक्सिमम, 32 एम्पियर ब्रेकर साइज, 20S का हम ग्लैंड यूज करेंगे। 6 स्क्वायर एम का वायर 25 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम, 42 एम्पियर ब्रेकर साइज, 32 एम्पियर और ग्लैंड हम 20S का यूज करेंगे। 10 स्क्वायर एम का वायर 25 डिग्री टेम्परेचर, 58 एम्पियर मैक्सिमम, ब्रेकर साइज 50 एम्पियर और ग्लैंड हम 25S का यूज करेंगे। 16 स्क्वायर एम का वायर टेम्परेचर 25 डिग्री, 77 एम्पियर मैक्सिमम,
63 एमपीए ब्रेकर साइज और 25 एल का हम यूज करेंगे ग्लैंड में। 25 स्क्वायर एम का वायर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 102 मैक्सिमम एम्पियर, ब्रेकर साइज 80 एम्पियर और 32 एस का हम ग्लैंड में यूज करेंगे। 35 स्क्वायर एम का वायर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 125 एम्पियर मैक्सिमम, ब्रेकर साइज 100 एम्पियर का और 32 एल ग्लैंड यूज करेंगे। 50 स्क्वायर एम का वायर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 150 एम्पियर मैक्सिमम, 125 एम्पियर का हम ब्रेकर यूज करेंगे, 40 एस का ग्लैंड साइज। 70 स्क्वायर एम का वायर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 192 एम्पियर मैक्सिमम, 160 एम्पियर ब्रेकर साइज, 40 एल का हम ग्लैंड यूज करेंगे। 95 स्क्वायर एम का वायर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 230 एम्पियर मैक्सिमम, 200 एम्पियर ब्रेकर साइज, 50 एस का हम ग्लैंड यूज करेंगे। 120 स्क्वायर एम का वायर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 267 एम्पियर, 250 एम्पियर का हम ब्रेकर यूज करेंगे और 50 एल का ग्लैंड। 150 स्क्वायर एम में 25 डिग्री टेम्परेचर, 290 एम्पियर मैक्सिमम, 250 एम्पियर ब्रेकर साइज, 63 एस का हम ग्लैंड यूज करेंगे। 185 स्क्वायर एम का वायर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 348 एम्पियर मैक्सिमम, 345 एम्पियर ब्रेकर साइज, 63 एल का हम यूज करेंगे। 240 स्क्वायर एम का वायर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 409 एम्पियर मैक्सिमम, 400 एम्पियर ब्रेकर साइज, 75 एस का हम यूज करेंगे। 300 स्क्वायर एम का वायर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 500 एम्पियर, 450 ब्रेकर साइज एंड 75 एल का हम यूज करेंगे। 400 स्क्वायर एम का वायर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 670 एम्पियर और यहाँ पर 90 एस का हम यूज करेंगे। ये केवल साइज 1.5 से लेकर 300 तक ही ज्यादातर यूज होता है ग्लैंड में। इस केवल ग्लैंड चार्ट का वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इस केवल साइज के हिसाब से इस ग्लैंड को आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज दें, हम आपके कमेंट और एडवाइस का रिप्लाई जल्द ही देने का कोशिश करेंगे। ऐसे ही इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकॉन ताकि हमारे आने वाले नए अपडेट्स सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।